लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, तुमको पाया है तो जैसे कहूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम सा हसी, कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो। प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, वाओ। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। दिखला दी, देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवार।
क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं। कुछ कुछ होता है जो तुम नहीं समझो, और पास तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। सूरज हुआ मट्टी, चांद जलने लगा, मैं ठहरा रहा, समी चलने लगी, धड़का यदि सांस थमने लगी,
बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से, मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से रूबरू। वो खुशबू क्या खुशबू, चेहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां मेरे सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। क्या बात है, थैंक यू वंस अगेन डांस प्लस फोर, और थैंक यू रेमो। एक्चुअली मुझे लगा था लास्ट टाइम आप लोग दिखा चुके हैं, तो मैं अगर ऐसी तवक्को रखूंगा, उम्मीद रखूंगा कि फिर से होगा, सो इट लुक वेरी ग्रीडी ऑफ मी, बट सीक्रेटली आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड इट वाज एब्सोल्युट, नॉट ओनली इज इट ब्यूटिफुल बट इट इज फॉर मी एक्सट्रीमली इमोशनल कि आप लोगों को अभी भी ये गाने पसंद है, और नहीं भी पसंद है तो ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। कौन आ गया है जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सबसे गाने, खुली किसकी आगे है। Yes, who is it? Don. मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ, दुश्मन
जरा देखो कौन आ गया है सबसे पहले। शाहरुख सर, अभी जो आपने किया है, जो ये फॉर्म है डांस का, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, बट आई हैव सीन इट बिफोर। ऐसा रोबोटिक और ये सब मैंने, पॉपिंग बोल रहे हैं रेमो सर, मैंने ये सब देखा हुआ है। एक बार मैं रावण फिल्म के अंदर करना भी चाह रहा था, तो मैंने सोचा था किसी को ला के नकली फेस लगा के करवा लूँगा, बट जेन्युइनली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे तुमसे मुलाकात होगी होगी। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महब मेरी महब। तस्वीर है तू निकल के सामने आ, मेरी महब। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी खतरनाक। वाओ। सबसे पहले आई वांट टू आस्क कैट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा आपका नाम क्या है? विशाल। आप लोग मतलब इतना डेंजरस स्टंट्स जो आप लोग करते हैं, आप अब डर नहीं लगता है? नहीं। माई हार्ट वॉज इन माई माउथ। मतलब यू गाइज हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू मैम। हार्ट पे जो माउथ शाहरुख के मी वाला है, ये क्या हो रहा है? इट्स अनबिलीवेबल जो आप लोगों ने किया है। आई वाज वेरी स्केयर्ड द होल टाइम। मैं जानती हूँ आप लोगों के ग्रुप का नाम बहुत ही सेंटिमेंटल है, और मुझे बताया गया है कि आपके दोस्त जो गुजर गए थे उनके नाम पे आप लोगों ने शुरू किया है ग्रुप। साथ में एक फ़न नेम अगर मैं देना चाहूँगी तो मैं बोलूँगी ह्यूमन स्प्रिंग्स। मैं ऐसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो मैं बताऊं तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिखता है। और मैं सिर्फ एक चीज यहां से लेकर जाऊंगा कि कभी कभार जिंदगी के अंदर ना ऐसा आदमी थोड़ा लिथार्जिक हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। टुडे वॉचिंग यू, आई थिंक आई हैव गेट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब मैं भी घर पे जाके 2 समरसॉल्ट और 1 कार्टव्हील अपने बिस्तर में तो ज़रूर मारूंगा, और फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा कि जो एनर्जी तुम में है, जो बिलीफ तुम में है, और जिस ऑनेस्टी और ब्यूटी के साथ तुम डांस भी कर रहे हो ग्रेस के साथ, ये सब जो मैं ये सब कुछ मैं अपने काम में लाने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। वी अनबीटेबल यार, कमाल है तुम लोग, अमेजिंग। एंड ऑल ऑफ यू, ये पूरी टीम वर्क है जो इस तरीके से करती है। कोरियोग्राफी भी होती है, स्टंट्स होते हैं। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मोमेंट्स होते हैं, वाव एलिमेंट्स होते हैं।
आपके एक्ट में सब कुछ होता है, सो अमेजिंग. आपके इस परफॉर्मेंस के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं, बिकॉज यू वर्थ इट. थैंक यू सर. सुनो भाई सुनो. वेटरन्स डांस प्लस आए हैं, एक नई कहानी लाए हैं. वेटरन्स देखो आज हमें जीरो से मिलाने आए हैं. आर्यभट्ट से पहले अगर जीरो नहीं था तो 100 कौरव और रावण के 10 सर कैसे गिने गए. जीरो हर जगह है, मैथ्स की किताब में, किराने के हिसाब में, बॉडी के पार्ट्स में, सृष्टि के आकार में, हर एक आविष्कार में, सब जीरो है. लेकिन ये जीरो कौन है? मैं बताता हूं, मैं जीरो कुमार. हम जिसके पीछे लग जाते हैं उसकी लाइफ बना देते हैं. कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए. ओ कोई तो चल चुप फड़िए, तू के तरिए या मरिए. चल जीरो कुमार, तेरा क्या काम, तेरी क्या वैल्यू. कूचों में, गलियों में, राशन की फलियों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे. सच है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही बस करिए. सात मिनट हैं आपके पास. सर, 7 मिनट में कैसे खेलेंगे? सॉरी, 70 मिनट है तुम्हारे पास. जाओ और अपनी लाइफ का बेस्ट डांस कर दो. आविष्कार करने वाले देश को सबने जीरो समझा, मगर जीरो तो हर जगह है. पृथ्वी, चांद, सूरज, बीज से लेके फल, सब शून्य के आकार के हैं. जीरो ही शुरुआत है और जीरो ही अंत. सर, मैं इतना डांस जानता नहीं हूं, तो मुझको जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो कमाल की लगी यार. मेरे को ऐसा, आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत बेसिक मिनिमल बात होगी कि कोऑर्डिनेट हो जाए, और मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें थोड़ा मजाक हो. सात मिनट हैं आपके पास. सर, 7 मिनट में कैसे खेलेंगे? सॉरी, आपने मेरी मोस्ट फेवरेट स्पीच, शायद मेरा मोनोलॉग फिल्मों का, और मोस्ट फेवरेट गाना किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. एंड यू गाइज वर ब्रिलियंट, और ऐसे ही मेहनत करते रहना एंड काम करते रहना और ऊंचाई तक पहुंचोगे तुम. रियली रियली फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Don't.
कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लागे चन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे साथ होके भी जुदा जुदा होके भी साथ रहना है क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जहां सिर्फ दर्द रह जाना है is absolutely fantastic. रेमो बताएंगे आपको और मेरे को जब गाना करना होता है तो जैसी तीसरी चीज कोई भी तीसरा अंग इन्वॉल्व होने लगता है गाने में तो मैं कोरियोग्राफर के पांव पड़ जाता हूँ कि दो ही होंगे भाई हाथ उठा लूंगा और मुंह खोल के गाना गा दूंगा तो बोलते टांग करो तो मैं कहता हूँ हाथ ये रखता हूँ फिर टांग में यूं कर लेता हूँ तीसरी चीज मुझसे होती नहीं एंड आई सॉ अबाउट 306 डिफरेंट थिंग्स इन योर बॉडी वर्किंग सो दिस इज मार्वेलस एंड अनबिलीवेबल गॉड ब्लेस यू ये कहानी है रिजवान खान की हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग लगूं वो इसलिए क्योंकि मुझको एस्पर्गर सिंड्रोम है इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूं ओह नो 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 मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट रिजवान अपने बेटे सैम से बहुत प्यार करता था अब्बा अब्बा लेकिन अब्बा, एक दिन अब्बा? एक हादसे की वजह से सैम की मौत हो गई और आज रिजवान खान आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं समीर राठौड़ खान मेरा बेटा वेट 56 किलोग्राम ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव सैम 6 साल का था जब मैंने उसकी अम्मी से निकाह किया समीर बहुत अच्छा बेटा था उसे अपनी अम्मी का प्यार मेरे साथ बांटने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई पर मैं इतना अच्छा डैड नहीं बन पाया दूसरों के डैड अपने बच्चों की जरूरतें महसूस करके उन्हें पूरा करते हैं लेकिन मुझे अनकही बातें महसूस नहीं करना आता तो मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता था बट सैम नेवर कंप्लेन उसने कभी कभी कंप्लेन नहीं की सैम की एक और बहुत बुरी आदत थी वो सिर्फ अच्छी बातें करता था बुरी खबर हमसे छुपा लेता था जब मेरी फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती थी तो मुझे नहीं बताता था नेवर अनलेस हमने शर्त लगाई हो बेट लगाई हो तब बताता था फिर मुझे उसे उसकी फेवरेट मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम देनी पड़ती थी टू स्कूप्स ऑलवेज टू स्कूप्स 27th नवंबर 2007 को वो मारा गया वो 13 साल 9 महीने 4 दिन का था समीर सिर्फ मेरा बेटा नहीं मेरा सबसे अजीज दोस्त था एक्चुअली मेरा इकलौता दोस्त था अल्लाह मियां खुश होंगे कि वो उनके साथ जन्नत में है आई डोंट नो व्हाट टू से आई डोंट वांट टू से एनी मोर जहां एक तरफ रिजवान अपने मरे हुए बेटे की याद में था वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी
रिजवान को कोसने लगी कि ये मौत मजहब की वजह से हुई है। यकीन सबसे कह दो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, या सिर्फ उन्हें क्यों क्यों ना अमेरिका के हर आदमी से जाके कह दो कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अमेरिका के प्रेसिडेंट से ही क्यों नहीं जाके कह देते कि मिस्टर प्रेसिडेंट माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और फिर रिजवान खान पूरे अमेरिका में सिर्फ यही कहता गया, माय नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट। दिन रात एक करके सारे मुसीबतों को पार करके आखिर में रिजवान खान की मुलाकात हुई अमेरिका के प्रेसिडेंट से। रिजवान खान बंदिरा, ये मेरा नाम जानते हैं? You already know my name. Yes, I do. Your name is Khan. Yes. And you are not a terrorist. Oh no, I'm not a terrorist. No. रिजवान खान तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे जाने कितने मुसलमान हैं जिनके कितने अपने गुजर गए आतंकवाद के शिकार में, अपने आप को बेगुनाह बताते बताते कुर्बान हो गए इस तूफान में। तीजा तेरा रंग थे हम तो, जिए तेरे ढंग से हम तो, तू ही है मौला तू ही है आन, क्या गुनाह है हमारा अगर पैदा हुए हम मुसलमान। नॉट एवरी वन इज अ टेररिस्ट इफ देयर नेम इज खान। खान 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 फर्स्ट ऑफ ऑल फील बहुत ही खूबसूरत है। ऑफ कोर्स मैंने कभी पहले ऐसे जिंदगी में कभी नहीं देखा है। दिस इज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट। नॉट ओनली जस्ट द सब्जेक्ट मैटर जो आपने चूज किया, मुझे भी फिल्म याद आ गई, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। बट मुझे बहुत खुशी है कि टू बी सच वंडरफुल डांसर्स, आप कुछ भी डांस कर सकते हैं बट आपने उसको जो है इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। माई नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माई नेम इज खान आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ऐसे ही अच्छी बातें जो हैं आप फैलाते रहें, सो नॉट ओनली द कंट्री बट ऑल द यंगस्टर्स विल अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ यूथ एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू बी यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पे ढल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम
फना है सूफियाना ये दास्ता मैं कारवा मंजिल हो जाता जहां को हर रास्ता क्या बात है पकौड़ों के ऊपर कड़ी गिरी आज शाहरुख सर मुझे जेन्युइनली दिली खुशी होती है क्योंकि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते रहते हैं शूटिंग करते रहते हैं स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते मेरे लिए लाइफ का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट ये होता है जब मैं आप लोगों को जैसे कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखता हूँ इतनी शिद्दत इतनी खुशी इतनी मेहनत के साथ हालांकि डांस मेरा आंगन टेढ़ा है बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद